दो तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि नेपाल में एक एयर स्ट्राइक के वक्त एक इंडियन जेट उसके दो पायलट के संग मार दिया गया है। ट्विटर पे कई यूजर्स ने इन फोटो को हजारों बार शेयर किया है, लेकिन ये दावा सबसे पहले इर्माक इदोया नाम के एक ट्विटर हैंडल से किया गया था। नेपाल का नागरिक होने का दावा करता हुआ इदोया कई समय से झूठी और भ्रामक खबर शेयर करता आ रहा है, लेकिन इसके पहले कि इर्माक इदोया का और कोई जानकारी ले, ये जानना जरूरी है कि ये दो तस्वीरें कहां से आई। सच का पता लगाने के लिए हमने पहली तस्वीर पर रिवर्स इमेज सर्च किया। इसमें हमें आयरलैंड का एक न्यूज़पेपर बेलफास्ट टेलीग्राफ की 2011 की एक रिपोर्ट मिली। उसमें बताया गया कि ये तस्वीर लिबिया के बेंगाजी में एक रेबल जेट के गिराए जाने का फोटोग्राफ है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पायलट इजेक्ट कर चुका था और उसको बेंगाजी के बाहरी इलाके में पैराशूट से गिरते हुए देखा गया था। हमें 19 मार्च 2011 से गार्डियन का एक रिपोर्ट मिला जिसमें लिखा था कि लिबियन नेता मुअम्मर अल गद्दाफी के समर्पित सेनाओं ने रेबेल के घर बेंगाजी में घुस के एक एक फाइटर जेट को मार गिराया था। तो साफ तौर से ये तस्वीर 2011 की है। अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। इसमें भी रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें 2019 का द स्टेट्समैन का एक रिपोर्ट मिला जिसमें ये जिक्र किया गया था कि बेंगलुरु के पास मिलिट्री एयरपोर्ट के रनवे पे एक मिराज 2000 का क्रैश हुआ था। रिपोर्ट में तस्वीर के लिए IANS न्यूज एजेंसी को क्रेडिट किया गया था और लिखा गया था, और मैं कोट करती हूँ, वो जगह जहां 1 फरवरी 2019 को बेंगलुरु के पूर्वी सबर्ब में एक मिलिट्री एयरपोर्ट पर IAF का एक मिराज 2000 क्रैश हुआ। ये तस्वीर हमें डेक्कन हेरल्ड की एक आर्टिकल में भी मिली जिसमें ये बताया गया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कि बेंगलुरु एयरपोर्ट चलाता है उसने इस क्रैश को एक टेक्निकल स्नैक के कारण बताया था। द क्विंट ने भी इस पर रिपोर्ट किया था और ये बताया था कि इस क्रैश के वजह से स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ नेगी और स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल की मौत हो गई। इसके अलावा भारत का नेपाल में एयर स्ट्राइक का कोई भी न्यूज रिपोर्ट हमें नहीं मिला, जो कि होना लगभग नामुमकिन है अगर ऐसी बात सही में हुई होती तो। साफ है कि 2011 और 2019 के तस्वीरों को हाल ही का बताकर शेयर किया जा रहा है, वो भी नेपाल का बताकर जब दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। ट्विटर यूजर इर्माक इदोया कई बार गलत जानकारी शेयर करते हुए पकड़ा गया है। उदाहरण के तौर पे हाल ही ने उन्होंने ट्वीट किया कि एक भारतीय क्वाडकॉप्टर को नेपाल के क्षेत्र में 90 मीटर घुसने के बाद नेपाली आर्मी ने मार कर गिरा दिया। हालांकि हमने इस दावे का पर्दाफाश किया और पता लगाया कि जो तस्वीरें उसने शेयर की थी वो दरअसल 2017 की है। इसके पहले उसने दावा किया था कि भारत नेपाल के सीमा पर इंडियन आर्मी ने बिना किसी उकसावे के सीज फायर उल्लंघन किया था जिसके वजह से 7 भारतीय जवान मारे गए। फिर से हमने इस दावे का सच खोजा और पता किया कि ये तस्वीरें 2015 की किसी और घटना की हैं। एक बार और उन्होंने ये दावा किया था कि एक भारतीय मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया था और एक रॉकेट का जमीन पे गिरने का वीडियो शेयर किया था। हमने तब पता किया कि ये वीडियो 2013 का है और रूसी प्रोटॉन M रॉकेट का एक्सप्लोजन दिखाता है। ऐसे झूठी जानकारियों से बचे रहें और अगर आपको कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन फोटो या वीडियो वेरीफाई करना हो तो हमें webcoof@thequint.com पर लिखें। तब तक के लिए क्विंट हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वेबकूफ बिल्कुल मत बनिए।